के नजारे हैं कलियों की आंखों में ला 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 कलियों की आंखों में मस्ताना इशारे हैं कलियों की आंखों में मस्ताना इशारे हैं जो बंदे हैं फिदाओं में जो बल्ले फिदाओं में खो जाए गले मिलकर खो जाए गले मिलकर मखमूर खटाओं में खो जाए गले मिलकर मखमूर खटाओं में जी
आपकी उंगली को क्या हुआ? कुछ भी हुआ तुम्हें इससे क्या? जरा आहिस्ता, इतनी गर्म क्यों होती हो? पहले इससे पूछो ये बाहर गई क्यों थी, और इसके कपड़े तो देखो। मैं अकेली थोड़ी गई थी पिताजी, हमारी क्लास की तमाम लड़कियां दिवाली पिकनिक पर गई थी। दिवाली बाहर मनाई जाती है या घर में? वो उधर बहाना किए लेटे हैं, तुम बाहर चक्कर काटती फिरती हो। दिवाली का सामान कौन लाए? तुम जो सुबह की बाजार गई थी। जी मैं दिवाली का सामान थोड़ा ही लेने गई थी, मैं तो अपनी चीजें खरीदने गई थी। इतनी गर्मा गर्मी, खैरियत तो है? दिवाली की मिठाई। खोलने में इतनी देर क्या रही थी पिताजी? तो खेल रही थी तुम?
सभी ये चीजें बिखरी पड़ी हैं। मगर तुम खेल किससे रही थी? मैं तो अकेली थी पिताजी। तो फिर तुम अकेली ने ये सब चीजें उलट पुलट कर दी हैं? देखिए पिताजी, दिवाली के रोज मत खफा हो, अंदर चलिए और इस टोकरी में से मिठाई निकाल कर दीजिए। इस टोकरी में से नहीं, टोकरे में से निकाल कर देता हूँ। दो यहाँ भी छुपी हुई हैं। सब निकल आओ, सब की सब यहाँ आ जाओ, मैं तुम सबको सजा दूंगा और आशा तुम्हें तो इन सबसे ज्यादा पीटूंगा। हमें भी दो ना जी, हमें भी अरे दो देता हूँ, ठहरो दियो जी। ये लो पिताजी, मुझे भी दीजिए ना। तुम भी लोगे? हाँ? ये लो। अच्छा भाई, अब तुम सब जाओ, हाँ? जाओ। तुलसी माता पर भी दीप जला देती? अभी जलाई देती हूँ पिताजी, ठहरिए मैं दीप ले आऊँ। हाँ। अच्छा, कमल नहीं आया अभी तक? अभी तक तो नहीं आए पिताजी। अरे ये क्या हुआ, ये कपड़े कैसे खराब कर लिए? कुछ नहीं पिताजी, जरा साइकिल से गिर पड़ा था। जरा साइकिल से गिर पड़ा था और जो कहीं चोट आ जाती तो? कमल, मैंने तुम्हें जिस रोज से साइकिल खरीद कर दिया है, कलेजा थामे बैठा हूँ। मेरे बेटे, इतना तो ख्याल कर लिया करो कि तुम और आशा ही मेरे जीवन का उजाला है। अगर तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। पिताजी, सभी साइकिल चलाते हैं। फिर वही बात। अरे भाई, एक तुम लापरवाह, दूसरे आज दिवाली का दिन, भीड़ भाड़, रेल पेल, कहीं मोटरें आ रही हैं, कहीं तांगे, कहीं घोड़े, टक्कर हो जाने का खतरा तो है। ये सुना, सच कह रहा था नहीं मैं? अरे कोई है, इनके लिए कुछ खाने को लाओ। कहाँ चले? बाबूजी मिठाई मंगा रहे हैं। तुम चुपचाप काम किए जाओ। माधुरी आई माताजी। माताजी ये आप क्या लाई हैं? कुछ भी हो तुम्हें इससे मतलब? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। सुनाई नहीं दिया वो कुछ खाने को मांग रहे हैं? मक्खन जो है उसे भेज दीजिए। इतना सा काम भी नहीं होता, परमात्मा बचाए आजकल की लड़कियों से। वो नैन दास वाला सौदा बना गया, खूब नफा रहा। देख लीजिए ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मेहनत की है तो दिवाली मनाइए, जोरों से रोशनी करवाइए। हमारे घर की रोशनी तो आपने इतनी तकलीफ क्यों फरमाई? नौकर कहाँ है? माता जी के कमरे में। सब के सब वहाँ क्या करते हैं? माता जी जो इतने पैकेट अपने लिए खरीद कर लाई हैं, उन्हें खोलकर उनका सामान ठीक कर रहे हैं।
अरे वो मैं फूल तो अंदर ही भूल ही आया, ले आओ ना बेटी। ये फिर साइकिल? अरे भाई तुम कल ही इस पर से गिरे थे, आज फिर लिए जा रहे हो? पिताजी हर रोज थोड़ा ही गिरूंगा। ना बाबा ना, तुम इसको अंदर रखाओ और बस में जाओ। अच्छा पिताजी। ले आई बेटी? शाबाश। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। देर से नहीं आता, तंग आ गए हैं। मैं भी यही कहने वाला था यार, मैं तो इसके खौफ से खाना खाए बगैर ही भाग आता हूँ। ये लीजिए आपकी घड़ी। ओ ठीक हो गई जी? जी हाँ। ये घड़ी मुझे बैंक ने मेरी मेहनत और दयानतदारी के सिले में दी थी। देखा, घड़ी भी गवाही दे रही है। मुमकिन है तुम्हें भी किसी दिन बैंक की तरफ से ऐसी घड़ी इनाम में मिले और तुम तरक्की के जीने पर चढ़ जाओ। जी हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रामदास, ये हिसाब तुमने अच्छी तरह से देखा था? जी हाँ। झूठ कह रहे हो तुम, फिर एक दफा देखो। ठीक है, ये 14 रुपए की कमी कैसे हुई, बोलते क्यों नहीं? मैं आपसे कहने वाला था लेकिन हिम्मत ना हुई। क्या कहने वाले थे और कौन सी ऐसी वो जरूरत थी जिसने तुम्हें बेईमान बनने पर मजबूर किया? मेरा लड़का बीमार था, दवाई के लिए मुझे रुपयों की जरूरत। बच्चा बीमार था तो मुझे कहते, बैंक में लोगों ने रुपया हिफाजत के लिए रखा है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं। तुम जिस कदर काम करते हो उसकी तनख्वाह पाते हो, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों का रुपया खर्च करना शरीफों का काम नहीं। जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? जेल है इसका नतीजा, जेल। और एक दफा जेल में जाना तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं माफी चाहता हूं। माफी चाहता है ये, दूर हो जाओ। रामदास, क्या तकलीफ हुई थी तुम्हारे बच्चे को? जी निमोनिया हो गया था। ये उठाओ और हिसाब पूरा कर दो। उठाओ उठाओ और देखो आइंदा कभी ऐसी हरकत ना होने पाए।
आपको मैनेजर साहब बुलाते हैं। अच्छा आता हूँ। बस चेंज तो कोनी है। फिर क्या किया जाए? तो मैं क्या कर सकता हूँ? बैठिए मैं दे देता हूँ। मार्टन के तीन आने हैं ना? जी। ये लो टिकट इन्हें दे दो। चेंज? आगे चल के चेंज ले लेंगे। मैं अपने पैसे ले लूंगा और आप अपने पैसे ले लीजिएगा। शादीलाल जी, आपको आज ही रात बंबई जाना होगा क्योंकि सिटी बैंक लिमिटेड बंबई से चंद जरूरी कागजात ला गए। तो मेरा जाना? क्योंकि ये काम मैं सवाए आपके और किसी के सपोर्ट नहीं कर सकता। साथ ही ये कागजात भी ले जाने। जो आ गया। मुझे आपकी जात पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये काम जरा ज्यादा एहतियात से करना होगा। ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा, आप फिक्र ना कीजिए। अच्छा तो आप जाने की तैयारी फरमाइए। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या दिखाऊं? कोई जस्टिस पेंडर दिखाइए। अरे जमुना दास निकालना भाई वो। और फरमाइए। कोई शेविंग का सामान भी दिखाइए। बहुत बेहतर। ये आप सौदा खरीदने आए हैं या चेंज ले रहे हैं? ये लोग सौदा खरीदे बगैर चेंज थोड़ा ही देते हैं। ये देखिए, आपको सिंगल चाहिए या डबल? सिंगल अच्छा होता है या डबल? मेरे ख्याल में सिंगल के मुकाबले में डबल हमेशा अच्छे रहते हैं। आप मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आप भी कुछ शौक फरमाइए। जी माफ कीजिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शायद कुछ खफा हैं। कुछ क्या? बहुत खफा हैं। साहब आपका खफा होना है भी तो वजह, आपने अपनी चीजें तो खरीदना शुरू कर दी और आपको पूछा तक नहीं। अरे साहब आजकल तो जमाना इन्हीं लोगों का है। आप दुकानदारी करते हैं या लोगों का मजाक उड़ाते हैं? अगर मेरी कोई बात आपको बुरी मालूम हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अपना झगड़ा आप लोग आपस में नबेल लीजिए। आपको जो कुछ लेना है जल्दी कीजिए। हाँ साहब, इसकी क्या कीमत है? इसकी साहब कीमत 2 रुपए 12 आने। और इसकी? ये 9 रुपए 8 आने। अच्छा, दोनों को पैक कर दीजिए। ये देखिए साहब, एक क्यूटेक्स का नया सेट। इसमें नाखूनों के मुतालिक पॉलिश ब्रश हर एक चीज नए फैशन की मौजूद, अभी आया। क्या कीमत है? कि सिर्फ 5 रुपए 8 आने। पैक कीजिए। बहुत। और
आपके पास कैस्टर्स हैं? जी। क्या कीमत? 27 रुपए डजन। क्वार्टर डजन पैक कीजिए। बहुत। ये लीजिए। और मेरा पैकेट? अरे साहब जाएगा तो एक ही घर में, वहाँ अलहदा कर लीजिएगा। एक घर का मतलब? मेरा पैकेट अलहदा दीजिए। बहुत बेहतर, जैसा आप फरमाएं। ये लीजिए। ये लीजिए मेरे हिसाब के बाकी रुपए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो आपको 10 रुपए भी देना है। बस बस, मजाक बहुत हो चुका, ये लीजिए। फिर कब मुलाकात होगी? मेरी मुलाकात से आपको मतलब? अच्छा, तो हम खुद हाजिर हो जाएंगे। बेटा, इस बंडल में क्या लाई हो? अरे उनकी चोरी थोड़ा ही है। पिताजी, चोरी की बात नहीं, मगर ऐसी नई और उम्दा चीज लाई हूँ कि अगर उन्होंने देख ली तो फौरन उसे छीन लेंगी। और दुकान पर तो क्या, बाजार भर में इसके साथ की दूसरी है नहीं, सब खत्म हो चुकी। पिताजी, भैया दिखाते नहीं क्या लाए हैं? देखो कमल, ये शरारत अच्छी नहीं, लाओ इधर, हम भी देखेंगे और हमारी बिटिया भी। अच्छा देखिए पिताजी, इसमें शेविंग का सामान है और ये वर्जिश के लिए चेस्ट एक्सपेंडर है। तो यही है वो वर्जिश करने की चीज जिससे छाती चौड़ी की जाती है। छे। राम राम, जाओ मेरा असबाब बांधो, मैं बंबई जा रहा हूँ। पिताजी आप बंबई जा रहे हैं? अरे हाँ भाई, मुझे आज ही जाना होगा, मगर देखो मेरे जाने के बाद ये वर्जिश का धंधा बंद कर दो, अपने घर का ख्याल रखना, जाओ। बेटी ये क्या? पिताजी ये पैकेट किसी के साथ बदल गया है। पिताजी लाइए लाइए। नन्नी, दिल तो मेरा भी नहीं चाहता कि तुम्हें छोड़कर जाऊं, मगर क्या करूं, नौकरी का मामला है। लीजिए पिताजी, बिस्तर तैयार है। अच्छा तो मैं भी तैयार हूं। मेरी किताबें ना भूलिएगा पिताजी। अरे भूलूंगा कैसे, ये मैं नोटबुक में लिखे लेता हूं। और हां, तुम भी याद रखना, जो ही तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा निकले मुझे फौरन तार से इत्तला देना। और पिताजी मेरे लिए क्या लाइएगा? जो तुम कहो। मेरे लिए चूड़ियां लाइएगा। और उनके नाप के लिए तुम्हें साथ ले चलूं, यही है ना? हमें तो आप साथ ले जाते ही नहीं पिताजी। ये लीजिए चूड़ी, इसके नाप के ले आइएगा। पिताजी बंबई इतना बड़ा शहर है, मुझे डर है कहीं आप खो ना जाए। मैं तुम्हारी तरह बच्चा थोड़ा हूं जो खो जाऊंगा। कमल सामान तांगे में रखो। अच्छा बेटी घबराना नहीं, मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा।
आशा, ये तुलसी को हर रोज सुबह के वक्त पानी देना, ये पौधा तुम्हारी माता ने लगाया था। वो बिचारी इसकी बहुत देखभाल किया करती थी। अच्छा पिताजी, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उठिए उठिए, आपको आपके घर पहुंचा दूं। आपने बचा लिया, बहुत मेहरबानी। आप बैठिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। आप खाए पिए बगैर नहीं जा सकते। बैठिए, मैं अभी आता हूं। अरे ये क्या, क्या आप कहीं गिर गए थे? वैद जी, आज तो मामला ही साफ हो गया था। एक लड़के ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। आप यहां कैसे आए? मैं, ओह, आपसे मिलने। मैंने कब कहा था कि मुझसे मिलने आना? लेकिन मैंने तो कहा था आपसे मिलूंगा। आखिर क्यों? गलती से मेरा पैकेट आपसे बदल गया है। ये लीजिए। और मेरा पैकेट? वो मैं कल लेकर आऊंगा। मुझे पैकेट वैकेट कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ से जाइए, जाइए ना। मेहमानों के साथ ये बर्ताव किया जाता है? किसके मेहमान? कैसी बातें कर रहे हो? आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? वैद जी, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जाइएगा तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अभी वक्त है, अपने आप चले जाइए, समझे? चाय पीकर जाएंगे। ये चाय किसके लिए? बाबूजी के लिए। क्या तू भी पागल हो गया है? तुझे इनके लिए चाय लाने को किसने कहा था? मैंने कहा था बेटा। क्यों पिताजी, क्या हुआ? बेटी, अगर ये ना होते तो मोटर के नीचे आ गया होता। आप बैठिए ना। आप शादीलाल जी के लड़के हैं, तुम इनको जानती हो? नहीं, मैं तो नहीं जानती। मैंने तो आपको शायद
इससे पहले भी कहीं देखा है। पिताजी आपके कहीं चोट तो नहीं आई? बच गया, इन्होंने बचा लिया। मिस्टर कमल चाय पीजिए ना। माधुरी तुम बुला के दो, ये शर्माते हैं। तो आप किसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी हाँ। एफए में पढ़ती है, बहुत होशियार है, फर्स्ट आई है। दुरुस्त है, आजकल लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं, पढ़ने लिखने में, खेल कूद में, जहां देखिए। साइकिल चलाने में बहुत उस्ताद है। साइकिल चलाने का भी शौक है? देखकर चलाया कीजिए, कहीं किसी के साथ टक्कर ना हो जाए, कोई गरीब मर ना जाए। हाँ सच कहते हैं बेटी, किसी बेवकूफ से बंडल बदल लाई, वो इसका सामान ले गया, ये उसका ले आई। आवाज है। हाँ, गाती तो खूब है। आज पहली दफा इनका गाना सुना है, इसने तो अच्छे अच्छे गाने वालों को मात कर दिया। नेपोलियन का कॉल है कि मुल्क और कौम की तरक्की का दारोमदार औरतों पर है। जब मर्दों ने घर बैठकर चरखे काटना शुरू कर दिए तो औरतें तरक्की ना करें तो क्या करें? तुम कैसी बातें करती हो बेटा। मेरा तो इन मिस आशा से मिलने को बहुत जी चाहता है। रेडियो पर गाने वाले बड़े आदमी होते हैं,
हर एक से नहीं मिलते। मैं तो उनसे मिलकर छोड़ूंगी। अच्छा तो फिर वहीं दर्शन होंगे क्या? अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, देर हो रही है। नमस्ते। 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 हेलो हेलो, न्यू कॉस्मोपॉलिटन होटल, किसको? तारावती को? जरा ठहरिए। रूम नंबर 13 टेलीफोन। आइए जनाब। हाँ साहब, मुझे एक कमरा चाहिए, नहायत साफ सुथरा। हमारे यहाँ नहायत साफ सुथरे कमरे हैं। आपका टेलीफोन। हाँ साहब, तो फिर किस नंबर का कमरा तजवीज किया आपने मेरे लिए? बॉय साहब को 14 नंबर में ले जाओ। क्या? हाँ साहब, देखिए पानी वाने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुझे। जी नहीं, पानी की आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जी हाँ, मैं अभी आई। कहिए भाई जी, आज क्या खेल है आपके नाटक का? भोला शिकार। खूब खूब। अरे उनका छाता तो यही रह गया। मैं भी तो ऊपर ही जा रही हूँ, लाइए उनको दे दूंगी। चौदह नंबर पे लगा दो। माफ कीजिएगा, ये आपका छाता तो नहीं? जी हाँ, ये छाता मेरा ही है, शायद नीचे रह गया था। रह नहीं गया था, आप इसे भूल आए थे। ओ, बहुत तकलीफ हुई आपको? जी हाँ, बहुत भारी था ना ये छाता। अरे भाई क्या बात है, खुल नहीं रहा क्या? हाँ जल्दी करो, चलो ले चलो अस्पताल अंदर। ये किसका टेलीफोन था? किसी और को हत्या चढ़ाया है क्या? अजी जब तक हुस्न और जवानी का जाल है, कोई ना कोई शिकार तो फंसता ही रहेगा। तारा ये क्या मामला है, आज तू रिहर्सल में भी नहीं आई? रिहर्सल? किसका रिहर्सल? ओ भोला शिकार का। भोला शिकार। अब खाने के लिए क्या आएगा बाबूजी? भगवान आपका भला करे। अरे ये नहाकर बताएंगे। तो मैं यहीं बैठता हूँ। अरे अरे नहीं, तू जा, मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। बहुत अच्छा, भगवान आपका अरे भला करे। भला करे। जा। हाँ
ऐसा खाना देखकर तो लगी हुई भूख मर जाती है। भैया आप तो यूं बातें करते हैं जैसे घर में चार पांच नौकर रखे हैं। भाभी ले आइए, जिनकी तस्वीर आप हर वक्त अपनी जेब में रखते हैं, वो आपको अच्छा खाना पका कर दिया करेंगी। ओहो आशा, तुम्हें तो बताया ही नहीं मैं उनके घर गया था। अच्छा तो अब आपने उनके घर जाना भी शुरू कर दिया। तुम तो उल्टा ही समझोगी, मैंने एक लाला दुर्गादास को मोटर के नीचे आने से बचाया था। मगर माधुरी को इससे क्या वास्ता? लाला दुर्गादास माधुरी के पिता हैं और वो मुझे अपने घर ले गए थे। फिर तो आप माधुरी और उनकी माता से भी मिले होंगे। भैया आपकी मंगनी तो हो गई होगी। मंगनी? अरे उन्हें तो तुमसे प्रेम हो गया है, तुम्हारा गाना रेडियो पर सुना है और तुमसे मिलना चाहती हैं। फिर आप साथ ले आते? मैं क्यों लाता, वो खुद आएंगी। कहती थी कि मैं तो इस आशा से मिलकर ही रहूंगी। तो वो यहाँ खुद आएंगी? कह तो रही थी, और इसीलिए तो मैं बताकर नहीं आया कि तुम मेरी बहन हो। आप किसी बैंक में काम करते हैं? जी हाँ, मैं लाहौर में एक बैंक का खजांची हूँ और यहाँ एक जरूरी काम के सिलसिले में आया। तो आप बम्बे में पहली दफा तशरीफ लाए हैं? जी जी हाँ, मगर आप यहाँ? पिताजी अगले हफ्ते इंग्लैंड से तशरीफ लाने वाले हैं, मैं उन्हीं की राह देख रही हूँ। तो आप इतने बड़े शहर में अकेली ही रहती हैं? रहती तो अकेली हूँ, मगर अब पिताजी के आने तक कभी कभी आपके यहाँ चली आया करूँगी। कुछ हर्ज तो ना होगा आपका? हाँ नहीं, इसमें हर्ज की कौन सी बात है? और दूसरे आप नए आए हैं, आपको बैंक ढूंढने में दिक्कत होगी, मैं आपके हमरा चलूंगी। नहीं नहीं, आपको तकलीफ फरमाने की जरूरत नहीं, मैं खुद तलाश कर लूंगा। कोई तकलीफ नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्ते। नमस्ते। मैं कोई देवी देवता तो हूँ नहीं जो आप मेरे दर्शन को आई है, लेकिन आपकी आवाज इतनी सुरीली है कि आपका गाना सुनते ही मुझे आपसे मिलने का शौक पैदा हो गया। मैंने आपको कहीं देखा जरूर है, याद नहीं आता कहाँ। खैर फरमाइए, मैं आपकी क्या खातिर करूँ? नहीं आप कोई तकलीफ न कीजिए। तकलीफ कहे की, मैं चाय लाती हूँ। नहीं आप बैठिए, घर में और कोई नहीं? पिताजी मुंबई गए हुए हैं और भैया कॉलेज। चाय ले आऊं फिर बातें करेंगे। मुझे आप देखकर इतना घबरा क्यों जाती हैं? आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं आपके पीछे पड़ा हूँ या आप मेरे पीछे, समझ में नहीं आता। आपसे तो पीछे छुड़ाना मुश्किल हो गया, जहाँ देखो वहीं मौजूद। जमीन गोल है ना, इसीलिए बार बार टक्कर हो जाती है। अच्छा अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। वरना? वरना अपने घर में तो नौकरों को बुलाना पड़ा था, यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ेगा, इसमें तो और भी बदनामी होगी।
कौन हैं? जी मैं आपके साथ आया हूँ। अच्छा तो बैठिए। जी नहीं, ये मेरे साथ नहीं आए। इसमें घबराने की क्या बात है? आप दूसरों के घर में आकर मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? दूसरों का कैसा, आप ही का घर है ये। लीजिए, अब मैं आपका मेहमान हूँ, आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। देखिए मिस्टर कंवल, आप मुझे हर वक्त तंग करते रहते हैं। मिस्टर कंवल, तो आप जानती हैं भैया को? अब समझी भैया, यही है ना वो माधुरी जिनकी तुम बातें किया करते हो। तो तुम बहन भाई मेरा मजाक उड़ा रहे थे? मेरे मुतालिक इनसे क्या कहते रहे हो? देखा है, ये लीजिए। भैया ये तो वाकई बहुत सुंदर और सुशील है। अब मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। आप एक दूसरे को इस तरह क्यों देख रहे हैं? बैठिए ना। भैया आप तो कहते थे मेरा बहुत कहा मानती है, इन्हें कहिए ना बैठ जाए, मैं एक और प्याला लाती हूँ। आप बहुत जल्द खफा हो जाती हैं। मैंने ऐसी तस्वीर कब उतरवाई थी? मैं तो इत्तेफाक से इस तरह गिर गई थी। हाँ, लेकिन ऐसे इत्तेफाक बार बार नहीं होते। खैर आप इसे नहीं रख सकते। तो फिर क्या करूं? इसे मैं ले जाऊंगी। अच्छा अब तो बैठिए, चाय पीजिए। तो मेरी बेटी
बहुत खुश मालूम होती है। हाँ पिताजी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या बात है बेटी? पिताजी, वो जो उस रोज रेडियो पर गा रही थी और जिनका गाना आपने बहुत पसंद किया था, आप जानते हैं वो कौन है? बेटी, मैं जानता तो नहीं, मगर वो गाती बहुत अच्छा थी। अगर आपको उनका गाना इतना पसंद है तो उन्हें यहाँ बुला लें। वो यहाँ क्यों आने लगी? क्या तुम उनको जानती हो? उन्हीं से मिलकर तो मैं इतना खुश हो रही हूँ। आपको मालूम है वो कौन है? हाँ तो कहो बेटा। वो जो वो मिस्टर कमल आए थे ना उस रोज, वो उनकी छोटी बहन है, शादीलाल जी की लड़की। बहुत प्यारी लड़की है पिताजी। उसने तुम्हारी खातरदारी भी की? खातरदारी तो क्या, उन्होंने तो मुझे सर पर उठा लिया। उन्होंने? वहाँ कोई और भी था? वो जो उसके भाई है ना मिस्टर कमल, वो भी थे। मिस्टर कमल बहुत शरीफ लड़का, उसके पिता भी बहुत भले आदमी। उनसे मिलकर मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। किससे मिलकर? उन्हें आशा से पिताजी। वो अब तो फोटो वाली खुद यहाँ आ गई। कैसी बातें करती हो तुम? आखिर इसमें क्या बुराई है भैया? कैसी अकलमंद, सुंदर और तमीजदार है। बीए में होंगी, तुमसे तो ज्यादा पढ़ी लिखी मालूम होती है। कौन, किसकी बात कर रही हो? वाह रे भोले भाले, मैं मिस माधुरी की बात कर रही हूँ, अपनी भाभी जी की। भाभी? भाभी कैसी? लेकिन भैया, वो अपनी स्कूटिया को पसंद कर लेंगी। उन्हें तो अप टू डेट बंगला चाहिए, नौक चाकर और सब अंग्रेजी ठाक। मगर उन्हें यहाँ आने को कहता ही कौन है? ओहो, आपको तो वो अच्छी भी नहीं लगती होंगी, इसीलिए आप उन्हें घर पर छोड़ने गए थे। लिखती हूँ पिताजी को। उन्हें क्या लिखोगी? यही कि भैया का ब्याह है, आप फौरन पहुँचिए। मोहे भाभी ला दो भैया, मोहे भाभी ला दो भैया, मोरा मन बैला तो भैया, मोरा मन बैला तो भैया, मोहे भाभी ला दो भैया, मोहे भाभी ला दो भैया। सूरज का टीका घड़वा तू, सूरज का टीका घड़वा तू, चांद का झूमर बनवा दू, चांद का झूमर बनवा दू, चोली में तारे टकवा दू, चोली में तारे टकवा दू, काम रहे रुपया, काम रहे रुपया, मुहे भाभी ला दो भैया, मुहे भाभी ला दो भैया। हाँ।
अच्छा तो आप मुझे इजाजत दीजिए, होटल तक तो आप पहुंच सकेंगे ना? जी जी मैं पहुंच जाऊंगा, मेहरबानी। अच्छा मैं शाम को आ जाऊंगी। शाम को? हाँ शाम को घूमने चलेंगे। मगर देखिए ना, शाम को मुझे नहायत जरूरी काम है। वो काम तो कल भी हो सकेगा, आप तैयार रहिएगा। मगर हाँ हाँ तैयार रहिएगा। मगर देखिए ना, मद की जाली है ये मधुबाली, तोरी आंखें मद की जाली है ये मधुबाली। अजी बोलो मैं तो ना बोलू ना बोलू ना बोलूंगी, मैं तो ना बोलू ना बोलू ना बोलूंगी। सब को छोड़ो मीसंग बोलो, सब को छोड़ो मीसंग बोलो, मुख से बोलो घूंघट खोलो, मुख से बोलो घूंघट खोलो। अपना घूंघट मैं ना खोलूं तोरे संग कभी ना बोलूं, अपना घूंघट मैं ना खोलूं तोरे संग कभी ना बोलूं। बोलो जरा बोलो ना बोलू ना बोलू ना बोलूंगी, मैं तो ना बोलू ना बोलू ना बोलूंगी। लेता आऊंगा। फोन आया है तारावती का, वो अभी आ रही है। अभी आ रही है? तो तूने कह दिया था कि मैं यही हूं। जी हाँ, भगवान आपका भला, कहीं का भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। तो देख, अब अगर आए तारावती तो उसे कह दीजो कि मैं बैंक में हूं, समझे? ठीक है, भगवान आपका भला करे। देखिए मैं वक्त पर पहुंच गई। जी आप बिल्कुल वक्त पर पहुंची हैं। मुझे जरा देर हो गई थी, सोचा कि टैक्सी भी साथ ले चलूं। चलिए ना। लेकिन मुझे जरा ऊपर जाना भी। आइए चलिए। भोला शिकार, भगवान आपका भला करे। Thank you.
हंसी हंसी में मनियों छीने हंसी हंसी में मनियों छीने हंस चुका जूसी पसे मोती हंस चुका जूसी पसे मोती या जो पवन चले और चल कर या जो पवन चले और चल कर हाथ छीन ले निर्बल दीप सजोती हाथ छीन ले निर्बल दीप सजोती बैन सुने और बैन न देखे बान चले और नैन न देखे बान चले और नैन न देखे नैनों के बान की ये आप क्या कर रहे हैं एक बान से आग लगाकर ये क्या एक बान से आग बुझाएं ये कौन है मिस्टर रमेश मेरे पिताजी के हिस्सेदार कितना खुश नसीब है ये वो कैसे जो माधुरी के ध्यान में आए उसे खुश नसीबी समझना चाहिए तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है लेकिन तुम घबरा क्यों रही हो मैं घबराती तो नहीं इन्हें चुगली खाने की बहुत आदत है तो क्या कहेंगे जाकर माता जी से कहेंगे कि मासी जी देखो तुम्हारी माधुरी एक लड़के के साथ बाग में बैठी हुई बातें कर रही थी मासी जी कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुल्हा बना रह जाऊं और वरमाला कमल के गले में पड़ जाए क्यों क्या हुआ बाग में चलकर देख लीजिए कमल के साथ क्या रंगरलियां हो रही हैं तो सच्ची बात ही कहेंगे तुम मेरे पास ही तो हो हाँ मगर अपने पास से भी तो बहुत सी बातें जोड़ेंगे क्या कहेंगे मैं भी तो सुनूं कहेंगे कि माधुरी और कमल अब नहीं समझते फिर तुम ही समझा दो ना बस रहने दो इन बातों को तो फिर मैं समझा दूं तुम्हें ये दिल लगी हमें अच्छी नहीं लगती माधुरी मुंह कुछ ना कहे मगर आंखें सब कुछ कह देती हैं क्या कहती है मेरी आंखें बता दूं तुम्हें तुम्हें मुझसे नहीं माधुरी तुम नहीं समझ सकती मैं कहती हूँ कलंक का टीका तुम्हारे माथे पर लगकर रहेगा क्यों क्या हुआ क्या हुआ बाग में जाकर देख लो कमल के साथ बैठी फिर बातें कर रही है तो हर्द क्या है कमल बहुत नेक लड़का है आप तो ऐसी बातें करते रहते हैं तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि बाप बेटे की सलाह एक है मैं भी तो आखिर उसकी माँ हूँ सौतेली हुई तो क्या मेरी इसमें इतनी भी नहीं चलती तुमने तो मेरा दिमाग चाट लिया अब जाइए क्यों बेटा क्या है पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे थे हाँ मिस्टर कमल चले गए हाँ
वो चले गए। पिताजी पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो बेटी। वो कमल है ना पिताजी? पिताजी मैं और कमल। बोलो बोलो, शर्माती क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी, हम दोनों बाग में बैठे हुए थे। तो वहाँ कोई बात हुई थी? बातें तो बहुत हुई थी पिताजी। और अच्छा, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मैंने कहा। किसका जवाब पिताजी? अच्छा अच्छा, मुझे बताओ क्या बातें हुई थी। कुछ नहीं पिताजी, वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं। पिताजी इसे रहने दो बेटी, और लगा लो। नहीं पिताजी, यही फूल ठीक है, मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। Thank you.
कि मौत की तरह तुम्हारा निशाना भी कभी खाली नहीं जाता। मगर तुम इस वक्त यहाँ कैसे आए? तुम्हारा हाथ बताने चला है। मगर यहाँ तो डाक के तीन पात वाला किस्सा है। तो क्या हुआ, एक एक पत्ता बांट लेंगे। मगर ये क्या है? कुछ नहीं। दूर रहो। औरत त्यूरियां डालकर मर्द को धमका जरूर सकती है तारा, मगर पिस्तौल दिखाकर डरा नहीं सकती। मौत से खेलने की कोशिश मत करो। मालूम होता है कि दौलत की चमक ने तुम्हारी आंख और दिमाग दोनों को अंधा कर दिया है। छोड़ दे मुझे। बाबूजी खून हमारे होटल में। जी हाँ साहिबान जूड़ी, मिस्टर कमल जो के लाला शादीलाल साहिब खजांची के बेटे हैं, एक संगीन जुर्म के मुर्तकिब होकर अदालत के सामने पेश हुए हैं। वो संगीन और अहम जुर्म ये है कि वो मिस माधुरी जैसी खूबसूरत लड़की से हर रोज मिलते हैं। हजूर अली, ये बिल्कुल गलत और झूठ है। खामोश, दखल मत दो। हजूर जज साहब, ये मिस्टर कमल खजांची साहब के बेटे वगैरह वगैरह इस जुर्म में इस वजह से गिरफ्तार हैं कि इन्होंने अपने वालिद साहब और अपनी नहायत हमदर्द, नहायत अजीज और अपनी नहायत प्यारी बहन आशा देवी की इजाज़त के बगैर। हजूर अली, मैं गुजारिश करता हूँ कि मिस आशा देवी अपने भाई मिस्टर कमल से कोई हमदर्दी नहीं रखती। और तुम्हें बोलने की किसने इजाज़त दी? बैठ जाओ। गुस्ताखी मुआफ जनाब बैरिस्टर साहब, नहायत अदब से अर्ज करता हूँ कि बंदे को दो चार लफ्ज कहने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, इजाज़त है, कहो। जनाब से नहायत आर्जी से इल्तमास करता हूँ कि इस लिबास को उतार दीजिए, क्योंकि ये किराए पर आया हुआ है। अजी नकली बैरिस्टर साहब कहाँ चले, वापस आइए और ये कपड़े यहाँ रख दीजिए।
मगर सुनो तो भैया, क्या तुम भरी हुई कचहरी में जज के सामने यूं बहस कर लोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे माधुरी के सामने तो बात होती नहीं, वहाँ कैसे बोलोगे? माधुरी के सामने ना बोल सकूं, लेकिन तू देखेगी कि मैं अदालत में कितने बेगुनाहों को मौत और कैद से बचाता हूँ। अच्छा, मेरे भैया तो बहुत लायक हो गए हैं। ये खत किसका है? पिताजी का, बंबई से आया है। कब आएंगे? दो चार दिन तक आ जाएंगे। और क्या लिखा है? और पूछा है उनकी तबीयत कैसी है। किनकी? मिस माधुरी की, भाभी जी की। फिर तुमने वही पागलपन शुरू कर दिया। पिताजी ने तो तुम्हारे लिए लिखा है, आशा का दिल बहलाए रखना, उसे उदास मत होने देना। तुम यही मेरा दिल बहला रहे हो। अगर तुम ज्यादा परेशान करोगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। आप बाहर जाने के लिए बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मुझे भाभी जी के पास जाना है? क्यों बेहुदा बक रही हो? मैं अभी पिताजी को लिखे देती हूँ। भैया दिन रात बाहर रहते हैं और मैं घर में अकेली पड़ी पड़ी उदास हो जाती हूँ। देखा, पिताजी हमारे लिए किताबें लाएंगे। और जरा आगे पढ़िए, मेरी चूड़ियां भी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये शादीलाल का मकान है? जी हाँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्या बात है? मैं तलाशी का वारंट लाया। तलाशी का वारंट? वो क्या होता है भैया? कुछ नहीं, तुम अंदर जाकर बैठो। अब तो यकीन आया? बहुत हैरानी की बात है। खून, और वो भी एक्ट्रेस का खून? शादीलाल जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अजी, साधुओं ही की झोली में तो रंगीन बोतल छुपी रहती है। जुल्म हो गया, घर भर तबाह हो जाएगा। यही तो मैं कहता हूँ, इसका औलाद पर क्या असर पड़ेगा?
क्या बात है रमेश? नहीं नहीं बैठो। कोई नई बात नहीं, सिर्फ कमल साहब के पिताजी खजांची साहब ने बंबई में एक एक्ट्रेस का खून कर दिया। कौन कहता है? ये देखिए। ये कभी नहीं हो सकता। आप खुद पढ़ लीजिए। तुम्हें यकीन क्यों आने लगा? बहुत बुरा हुआ। जब बाप का ये हाल है तो बेटे का क्या होगा? अब भी कह दो कि माधुरी की शादी कमल ही से होगी। अब इनकी शादी कमल से कीजिए या जैसे आपकी मर्जी हो, बार बार कहना नहीं चाहता। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया था। अच्छा किया बता दिया, बच गए। कहीं खूनी के लड़के से शादी कर देते तो कहीं के ना रहते। जमाना बहुत बुरा है, इनको कमल से मिलते हुए देखकर लोग क्या कहेंगे? समझ में नहीं आता, क्या करूं? तुम्हारी समझ में नहीं आता तो किसी और की मांग लो। बताओ क्या करूं? अरे माधुरी की शादी उनसे कर दो, तमाम झगड़ा खत्म। क्या हो गया भैया? माधुरी, अब क्या होगा? कभी नहीं हो सकता। माधुरी, इस हादसे ने मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दिया है। ना उम्मीद ना हो कमल, तुम्हारे पिता बेगुनाह हैं और बेगुनाहों पर कभी जुर्म नहीं लग सकता। रो नहीं आशा, दुनिया हमारे पिता पर इल्जाम धरे मगर हमें भगवान पर भरोसा है। दुख ने भरे हैं रंग जिसमें दुखी जगत की दुखी तस्वीर है
कब्र में लूटता था उसी ख्वाब की शायद ताबीर है ये आखिर क्या किया जाए जब तक किसी न किसी जगह या रमेश के साथ इसकी शादी ना कर दोगे इसका तो यही हार रहेगा मैं तो इस छोकरे को घर आने से मना करवा दूंगी बात तो तुम ठीक कहती हो मुझे छोड़कर जा रहे हो मैं तुम्हें बदनामी से बचा रहा हूँ माधुरी नहीं कमल तुम मेरा सुख छीन रहे हो तुम्हारा सुख इसी में है माधुरी के रमेश के साथ शादी करके अपने माता पिता का कहा मानो मुझे रमेश के हवाला करना चाहते हो नहीं माधुरी लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुमसे शादी कर लूं और दुनिया तुम्हें बदनाम करे दुनिया मेरा ख्याल ही नहीं लेकिन तुम्हें पिताजी की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए माधुरी मुझे भूल जाओ कमल 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 ऐसा करके भी करे ना सब्र जालों मंजिल दूर से दूर ले जाए किस्मत बरसों बीत जाए आंखें तरसती हों यादे वतन में आए तड़ पाए किस आंखें वतन की गलियों में हो ठंडी बाद देर के मंजिल पे लाए किस्मत मगर जिन्हें फूल ये बांटता था आज उन्हीं से पत्थर लगवाए किस क्यों आशा क्या हुआ भैया मेरा दिल घबरा रहा है घबराओ नहीं सो जाओ ये शोर कैसा था भैया कोई भिखारी था जिसे बच्चे तंग कर रहे थे भैया पिताजी कहा करते थे कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए तुम उसे खाना खिलाओ ना अच्छा खिला देता हूँ तुम सो जाओ ले बाबा
किससे कहें और करें बयान क्या क्या, जो जो दुनिया में रंग दिखाए किस्मत आंखें खून बरसाए, वो कहें मुंह से हाय हाय किस्मत, हाय हाय किस्मत। बृहस्पति से अगला शुक्रवार बराबर आज से 17 दिन बाकी हैं। इतनी जल्दी क्या है पंडित जी, 4-5 महीने के बाद देखिए कौन सा दिन ठीक पड़ता है। बहुत अच्छा, माधुरी को दुख तो बहुत हुआ होगा जब ही 4-5 दिन से मेरे सामने नहीं आई। तुम्हारा तो मोम का दिल है, आखिर जो कुछ किया है उसके भले के लिए ही किया है, समझे? ओ मेरा पांव, जरा सा हाथ लग गया तो चिल्लाने लगे। सेठ जी लीजिए सावन भादो असूज की 6 का लगन रखिए। आपकी कंपनी बॉम्बे से आई है? जी हाँ, चंद दिनों के लिए। लाहौर के लिए आप नया खेल क्या लाए हैं? आज दिवाली की खुशी में हम अपना बेहतरीन खेल उमर खयाम पेश कर रहे हैं। ओ, उमर खयाम, हसीन साकी और शराब का जाम। जी जी, शेर साहब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए ना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा और कुछ बातें भी करेंगे। पीने के दिन आए पिए जा, जीने के दिन आए जिए महलमा बस्ती है।
और कैसी खूबसूरती से पार्ट अदा किया है सेठ साहब, अभी आपने इनका देखा ही क्या है। ये तो वो कमाल रखती हैं कि इंसान देखकर हैरान रह जाए। तो फिर आप हमें वो कमाल दिखाते क्यों नहीं? अजी, रुपए की कमी ने मजबूर कर रखा है, वरना इनको ऐसी स्टेज हिंदी में पेश करूं कि हिंदुस्तान भर में थलका मच जाए। वाह मैनेजर साहब, हमारे होते हुए भी रुपए की कमी। फरमाइए आपको कितना रुपया चाहिए? सिंधी के लिए रुपया तो बहुत चाहिए, मगर मैं 2000 में काम चला लूंगा। बस सिर्फ 2000? दिवाली है? हाँ। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? तुम बीमार हो, मैं तुम्हें क्या बताता? नहीं भैया, हम भी अपने घर में दीप जलाएंगे और तुलसी माता पर तो मैं जरूर दीप जलाऊंगी। आशा, अभी लेटी रहो, जब अच्छी हो जाओगी दिवाली मना लेना। नहीं भैया, हम पटाखे ला कर दो। अच्छा तो मैं ला देता हूँ, मगर तुम आराम से लेटी रहो। खुशी की होती थी दीपमाला, वहाँ अंधेर बन कर ऐसी छाए किस्मत, तेल यास का बनी हो, हाय हसरतों दीपक जिगर के दाग जलाए किस्मत।
आशा तू फिर दीप जलाने के लिए उठी थी? हाँ भैया, लेकिन जला ना सकी, गिर पड़ी। गिर पड़ी? मगर वहां तो दीप जल रहा है। फिर आपने जलाया होगा। मैं कहां जलाता, मैं तो अभी आया हूं। तो फिर मुझे किसने उठाया था? किसने उठाया? नहीं नहीं आशा, तेरा वहम है, ले अपने पटाखे। ये लीजिए। भैया माधुरी की चिट्ठी है ना, ईश्वर करे वही मेरी भाभी बने। उनकी नौकरानी लाई थी। क्यों भैया, खैर तो है? खैर क्या होती, माधुरी की शादी होने वाली है रमेश से। आशा, मगर भैया माधुरी को तो आपसे बहुत प्रेम था। क्या लिखा है? लिखा है कि मुझे इस शादी से बचाओ और अपने साथ कहीं ले जाओ। ठीक तो है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? सुनो आशा, तुम जानती हो कि मैं नेकनामी हासिल करने के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अपने बाप के गुनाहों का धब्बा अपने खानदान से धोने के लिए, और इसीलिए खुद को गरीबी में रखकर बैंक का वो रुपया अदा कर रहा हूँ जिसकी चोरी पिताजी पर लगाई गई है। लेकिन भैया पिताजी ने ऐसा कब किया था? वो तो बेगुनाह है। बेगुनाह? अगर बेगुनाह है तो दुनिया के सामने आकर अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं देते? आशा, हमारे पिता ने हमारे सुख की दुनिया उजाड़ दी। उन्हीं की वजह से मुझे माधुरी को छोड़ना पड़ा, और उन्हीं की वजह से मैं तुम्हारी सगाई किसी अच्छे खानदान में नहीं कर सकता। भैया भैया, आप मेरी बात छोड़िए, माधुरी को बचाइए, वो बहुत दुखी होगी। तो क्या उसे भगा ले जाऊं? पिताजी तो खूनी और चोर बने, अब उनका बेटा भी चोर बने कि एक शरीफ लड़की को भगा ले जाए? वाह, खानदान की खूब इज्जत बढ़ेगी। मेरा बेटा सच कहता है भगवान, मैं जब बेगुनाह हूं तो दुनिया के सामने आकर अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं देता? मगर मैं बुजदिल हूं भगवान, मैंने तुझ पर भरोसा ना रखा। मैंने दुनिया के सामने आकर अपनी बेगुनाही साबित करने की बजाय छुपने की कोशिश की, अपने निर्दोष बच्चों का जीवन दुखी बना दिया। मैं कल ही बैंक के मैनेजर के सामने जाकर उसे बता दूंगा कि मैं निर्दोष हूं और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। भगवान मुझे क्षमा करो और मुझ में बल दो। अरे वाह, पूजा कर रहे हो, तेल चुराना है क्या? चलो उठ, बस बड़ा है आप पुजारी। रूप न कोना, बिरहा का रूप न
लाला जी। नमस्ते जी। आपके नए खजांची से मुझे बहुत शिकायत है। आपके पुराने खजांची लाला शादीलाल जी बहुत अच्छे आदमी थे। जी हाँ, वाकई बहुत अच्छे आदमी थे, इसीलिए आज तक उनकी जान को रो रहे हैं। उनका तो नाम मत लीजिए, आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। कितनी देर लगेगी? सिर्फ 10 मिनट। बोले जाओ। जरा वक्त बताइएगा। क्या देख लिया? तुम्हारे पास कपड़े कम हैं जो और खरीद रही हो? अपने लिए नहीं, तुम्हारी लाडली बेटी की शादी के लिए। हाँ तो जरूर खरीदो, इससे कहो कल और उम्दा कपड़ा ले आए। और आप गोविंद राम जौहरी को जेवर के लिए टेलीफोन कर दीजिए। और ये देखिए मेड इन इंग्लैंड की बनी हुई साड़ी। सेठ साहब, आप हमारी साड़ी का वादा भूल गए ना? साड़ी? अरे तेरे लिए साड़ियां तो क्या, मोटरें, कोठियां, रुपए, जेवरात सब कुछ हाजिर कर दूंगा। अरे मैं तो तेरे पीछे सर देने को तैयार हूँ। आओ प्रकाश, क्या बात है? ये देखा आपने सेठ साहब, अब मैनेजर साहब ने हमसे भी दगाबाजी शुरू कर दी है। ये कैसा चेक है? मैंने तो उनके इतने गुनाहों पर पर्दा डाला और उन्होंने मुझे इसका ये इनाम दिया, झूठा चेक। तो तुम मुझसे काहे को शिकायत करते हो? जाओ उनसे कहो, मैं तो उन्हें रुपया दे चुका हूं। नहीं नहीं, मैं आपसे तो कुछ नहीं कहता, मगर जरा उनकी चालबाजी तो देखिए। भाई वो सीधे ही कब थे जो अब चालबाज हो गए? धोखा फरेब तो उनका पेशा है। लेकिन उनका धोखा फरेब मुझसे नहीं चलेगा सेठ जी। देखिए मैं अभी पूछ लेता हूं। ये लीजिए अपना चेक, बैंक ने इसे वापस कर दिया। आपने पहली दफा मुझे हिस्सा दिया,
उसमें भी धोखा। सब्र की भी कोई हद होती है मैनेजर साहब। आपको मालूम है हमें किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है, और जब आपसे कुछ मांगा जाए आप टाल मटोल कर देते हैं। अब उम्मीद के खिलौनों से नहीं खेला जाता मैनेजर साहब। बंबई से लाहौर तक आपने फूटी कौड़ी का मुंह भी नहीं दिखाया। तो मुझे क्या मिला इस सफर में? मिला हो या ना, मगर रमेश वाला 1500 का चेक आप अकेले हजम नहीं कर सकते। तुम भूल गए हो प्रकाश, मैंने तुम्हारी उस वक्त मदद की थी जब तुम कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे। आप भूल गए हैं मैनेजर साहब, मैंने भी आपके वो राज हजम कर रखे हैं कि जिनके फाश होने पर आप अभी फांसी पर चढ़ सकते हैं। खामोश रहो प्रकाश। मैं हरगिज खामोश नहीं रहूंगा। मैं पुकार पुकार कर कहूंगा, तुम कातिल हो, खूनी हो, डाकू हो। तुमने बेगुनाह तारा को कत्ल किया, गरीब खजानची पर दिन धाड़े डाका मारा, और अब रमेश को धोखा दे रहे हो। तुमने उसे कत्ल कर दिया? हाँ, जो मेरे साथ उलझे उसका यही हशर हुआ करता है। ये तुमने क्या किया? अब तुम क्या करोगे? तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुम भाग जाओ, भाग जाओ। और बेटा तुम बचकर चले जाओगे, देखूंगा फांसी तुम्हें होती है या मुझे। तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या करने आए हो? तो लोग पुलिस को फोन करो और कहो कि कातिल गिरफ्तार हो गया है, समझे? वाह, खूब दूर की सूझी। देखो भागने न पाए। तो लोग ये लो एक और मुजरम। आप जानते हैं मुझे चतरसैन कहते हैं, चतरसैन। हाँ, बेगुनाह खजांची को खूनी बनाने वाला। तो लोग पकड़ लो इसे, मेरे राज मालूम करना आसान नहीं है। वाले कमरे में मुझे एक फायर की आवाज सुनाई दी। जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो कातिल मेरे असिस्टेंट को कत्ल करके भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कातिल को पकड़ लिया। ये मेरे असिस्टेंट की लाश और ये बेहरहम खूनी। दर्शा, हथकड़ी लगाओ। आपको कामयाब देखकर जरूर होते आशा, मगर हमारे भाग ऐसे कहां। अच्छा तुम ज्यादा खेलना कूदना मत, अभी अभी बीमारी से उठी हो, कहीं ऐसा ना हो फिर बीमार हो जाओ। अच्छा भैया, और मैं तुलसी माता से प्रार्थना करूंगी कि आप इस मुकदमे में भी पहले मुकदमे की तरह कामयाब हो।
हजूर वाला, मेरे फाजल दोस्त ने इसे एक बहुत अनोखी बात करार दिया है कि एक भूखा और नंगा भूड़ा अपने चीथड़ों में से रिवॉल्वर निकाल लेता है। बेशक ये एक बड़ी अनोखी बात है कि जिस शख्स को पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नसीब ना हो उसके पास से रिवॉल्वर निकल आए। लेकिन आप ये क्यों भूलते हैं कि जिस शख्स के चीथड़ों से रिवॉल्वर निकला उसे उस हालत में गिरफ्तार किया गया जब उसके मुजरिम हाथ एक शरीफ शख्स की जेब को एक घड़ी से महरूम कर रहे थे। आपने देखा, ये वो शख्स है जिसने दुनिया को धोखा देने के लिए अपनी उम्र और दाढ़ी की आड़ में एक बदमाश का पत्थर दिल और एक कातिल की नापाक रूह को छुपा रखा है। क्या अब भी नहीं बूझा जा सकता कि ये रिवॉल्वर इसके पास क्यों कर आया होगा? क्या अब भी कोई शुबा रह जाता है कि घड़ी के इस चोर ने घड़ी से पेशतर रिवॉल्वर भी चुराया होगा? अगर इस शख्स की दागदार जिंदगी में जरा सी भी सफेदी होती, अगर इसके अंधेरे दिल में शराफत की एक किरण भी पहुंच सकती, तो रिवॉल्वर की लबलबी दबाने से पेशतर यह ख्याल इसका हाथ रोक लेता कि यह मकतूल की जान लेकर उसके बाल बच्चों और उन सब मोहताजों को बेआसरा बना रहा है जिसके सहारे वो जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर यह कठोर, ये निर्दयी, ये आवारा, जिसने कभी ये न जाना कि कुनबे की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कि घर की चार दीवारी के अंदर कैसी सुहानी मोहब्बतें सांस लेती हैं, जिसका कोई आगा पीछा नहीं, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं, जिसके दिल में किसी की मोहब्बत, किसी के दर्द के लिए जगह नहीं। यूं न कहो, यूं न कहो। कोई गवाह पेश करना चाहते हैं? हुजूर वाला, मेरा सिर्फ एक गवाह बाकी है। अच्छा, तो उसे हाजिर किया जाए। ये जुल्म है, ये जबरदस्ती है, मेरा इस मामले से तल्लुक क्या? मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? खामोश। मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? हुजूर वाला, ये है मिस्टर रोमेश। इन्होंने समन लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हुजूर वाला ने इनके नाम वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। कहिए, मैं परमात्मा को हाजर नाजर जानकर जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं परमात्मा को हाजर नाजर जानकर जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। हाँ, तो मिस्टर रमेश, ये चेक देना आपको याद है? जी हाँ, लेकिन नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने नहीं किया खून, मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष हूँ। मुजरिम वो शख्स है, वो वहाँ, उसने अपने साजी की जान ली थी, उसने गोली चलाई थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, उसको पकड़ो, मुझे जाने दो, मैं बेकसूर हूँ। आप मुलजिम को जानते हैं? नहीं। इसे पहले भी कभी कहीं देखा था? मुंह से बोलिए। जी नहीं। ना उस वक्त जब इर्तकाबे जुर्म हुआ था? ना उस वक्त। तो बस हुजूर वाला, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कमल। हाँ मिस्टर रमेश, मैं आपसे दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए, मगर जल्दी, मुझे अपनी शादी में पहुंचना है, अभी फौरन।
शादी कोई नीलाम नहीं कि आपकी गैर हाजिरी में कोई बोली देकर आपकी दुल्हन को खरीद ले जाए। खामोश। हाँ मिस्टर रमेश, आप मुझे ये बताइए कि जब पुलिस ने मुल्ज़िम को हिरासत में लिया तो आप क्यों उसे देख ना सके? इसलिए कि मैं साथ वाले कमरे में था, मैनेजर और उसके साजी की लड़ाई की आवाज मुझे उसी कमरे में सुनाई थी, वहीं मुझे गोली चलने की आवाज आई। और उसके बाद मैनेजर हांफता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। आपने मैनेजर के हाथ में रिवॉल्वर देखा? नहीं। आपने रिवॉल्वर की गोली चलती देखी? नहीं। आपने आवाजें सुनी जो अंदर से आ रही थी? जी। और वो आवाजें सुनकर आपने ये नतीजा निकाल लिया कि मैनेजर ने अपने साजी को मार डाला? जी हाँ। सिर्फ एक और सवाल, ये चेक आपने मैनेजर को क्यों दिया था? क्यों दिया था चेक? अरे साहब, ये तो मैनेजर, यानी मुझे ड्रामा और डांस देखने का बहुत शौक है और। हाँ हाँ, कहिए कहिए, झिझकते क्यों हैं? क्यों दिया था चेक? तो मैं आपको, यानी ये सब कुछ कैसे बता दूं? खैर, ये राज ऐसा है जिसका इल्म शायद आपके होने वाले सुसर के लिए मुफीद हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अदालत के बर्खास्त होने तक आपको यही कयाम फरमाना होगा। ए हजूरे वाला, परमात्मा का खौफ कीजिए, ये भी कोई इंसाफ है? आज मेरी बरात है, मेरा ससुर क्या कहेगा, मेरी गरीब दुल्हन क्या करेगी? सुहाग की मेहंदी खुश्क ना होने पाई थी कि ना जाने ये बला कहां से गले पड़ गई। ए सरकार, ओ वकील साहब, ए संतरी जी, ये क्या सितम है, मेरी बिल बिलाती हुई दुल्हन का ख्याल कीजिए। ए परमात्मा, मेरे सेहरे की लाज रख ले। पुलिस ने, वकीलों ने, अदालत ने, हर एक ने इसे पूछ देखा कि ये कौन है, कहां से आया है और क्या करता है, लेकिन ये अपनी पिछली जिंदगी के बारे में एक बात भी बता सका? इसे अपनी जबान से एक लफ्ज भी निकालने की जरूरत हुई? क्यों जरूरत नहीं हुई? क्या ये ऐसी मुश्किल पहेली है जिसे बूझा ना जा सके? कौन नहीं कह सकता कि इसकी सारी पिछली जिंदगी कत, खून और गारतगरी की एक लंबी दास्तान है, और ये इसे इसी तरह छुपा रहा है जैसे भेड़ के रूप में इसने एक भेड़िए की खसलत को छुपा रखा है। हजूरे वाला, मेरी इल्तमास है कि आप मुजरिम की जाहरी हालत पर न भूलें, बल्कि याद रखें कि ये एक चोर, कातिल और संगदिल के सिवा कुछ नहीं, और इसे मुजरिम करार देकर वो सजा दे वो। बस हजूर वाला, मुझे और कुछ नहीं कहना। साहब ने गुजर चुकी, उम्मीद है आप इस पर गौर फरमा कर मुत्तफिका तौर से किसी कतई फैसले पर पहुंच सकें। हुजूर वाला, एक इंसानी जिंदगी का फैसला करने से बेहतर सच की आवाज सुन लीजिए। तुम कौन हो? हुजूर वाला, मैं बैंक का क्लर्क हूँ और एक नहायत जरूरी शहादत पेश करना चाहता हूँ।
ایسا کرنا ضابطے کے خلاف ہے۔ حضور والا، میری التماس بے ضابطہ سے ہی، لیکن کیا عدالت کے چند منٹ ایک بے گناہ انسان کی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں؟ اچھا، تو اس مقدمے کے بارے میں تمہارے پاس نئی بات کیا ہے کہنے کو؟ حضور والا، قاتل یہ شخص نہیں، وہ ہے، وہ۔ میں موقع پر موجود تھا، میرے روبرو اس شخص نے اپنے ساتھی کو صرف اس لیے گولی کا نشانہ بنایا کیونکہ یہ شخص بمبئی کی ایک عورت کو قتل کر چکا تھا اور اس کا ساتھی اسے راز فاش کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اے حضور والا، اب مجھے جانے دیجئے، میری شادی ہے۔ خاموش۔ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک برات کیوں نہیں آئی؟ معلوم نہیں کیا بات ہو گئی، میں خود ہی جا کر دیکھتا ہوں۔ حضور والا، یہ گھڑی میری شہادت ہے، یہ گھڑی۔ مسٹر کنول، کیا آپ نے اس گھڑی کو نہیں پہچانا؟ یہ گھڑی آپ کے پتا خزانچی شادیلال کی ہے۔ حضور والا، میں بینک کا مینیجر ہوں، میں نے یہ گھڑی شادیلال کو اس کی ایمانداری کے سلے میں انعام دی تھی، لیکن کمل کا پتا شادی لال ایمانداری کے پردے میں بے ایمان تھا، وہ بینک کا روپیہ کھا گیا اور ایک عورت کا خون کر کے فرار ہو۔ نہیں نہیں، یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے کہ شادی لال خزانچی بددیانت تھا، بے ایمان تھا۔ یہ تفسیر مقدمے پر کچھ روشنی نہیں ڈالتی۔ ڈالتی ہے حضور والا، اس لیے کہ بینک کا خزانچی جس پر خیانت کا الزام لگا مگر جس نے دیانت کو کبھی ہاتھ سے نہ دیا، جسے قانون شکاری کتے کی طرح بو سونگتا ہوا ڈھونڈ رہا ہے، کمل کا بے گناہ پتا شادی لال میں ہوں، میں۔ میں خاموش تھا صرف اس لیے کہ میری خاموشی میرے کمل کی کامیابی کیا بن جائے۔ جو باپ اپنے بچوں کے کسی کام نہ آ سکا، اس کا انجام اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ پھانسی کا پھندا اس کے اپنے بیٹے کے ہاتھ اس کے گلے میں ڈالے۔ کمل کو ایک بار، صرف ایک بار مسکراتا دیکھنے کے لیے شرمسار باپ ہنس ہنس کر جان دے سکتا تھا، مگر عدالت کا فیصلہ سننے سے پہلے میں نے یہ سن لیا کہ دنیا ایک بے گناہ کے گناہ کو امر بنا چکی ہے، بے قصور کا قصور اس کے بعد بھی زندہ رہے گا اور اس کا سایہ اس کی اولاد کی زندگی پر سے کبھی نہ ہٹے گا۔ اسی خوف نے میری موت کا اطمینان بھی چھین لیا۔ میں عدالت سے موت مانگتا ہوں، کمل کی کمائی ہوئی موت، اور دنیا سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کی موت کے بعد اس کی اولاد کو یہ یاد نہ دلایا جائے کہ ان کا باپ گناہگار تھا۔ ہیلو، ہیں سچ؟ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، رمیش کا فون آیا؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، صرف مجھے جانا پڑے گا۔ تو جاؤ جاؤ، جلدی کرو۔
पिताजी। मैं मेंबरानी जूरी की राय से इत्तेफाक रखता हूँ और हुक्म देता हूँ कि मुल्ज़िम शाजी लाल को बाइज्जत बरी किया जाए और चत्रसैन को मुसम्मा तारा कत्ल में और रमेश और चत्रसैन को मौजूदा कत्ल के इल्जाम में जेर दफा 302 इंडियन पीनल कोड चालान किया जाए। शादी का क्या होगा, नीलामी हो गई बेटा। पिताजी, उठो। कंवल मेरे बेटे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने। अरे वो तो तुम्हारा फर्ज था। मुझे कितनी खुशी हुई कि अदालत में तुमने अपने फर्ज के पांव नहीं डगमगाने दिए। आपने मिस्टर कंवल को देखा है? हाँ हाँ, इस तरफ को गए। भैया। आशा, पिताजी। आशा, पिताजी। मेरी बिटिया, मेरी नन्नी। लाला शादीलाल जी, आप तो वाकई दयानतदार निकले। आपकी मेहरबानी है मैनेजर साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटा। शादीलाल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बेटा कमल, जल्दी करो ना, सब बराती तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आज शादी का दिन है। कमल, शादी तुम्हारी? अरे आशा बिटिया, तुम्हारी भाभी आ रही है। भाभी दुर्गा दास जी। शादी नीलाम नहीं, जो दूसरा बोली देकर तुम्हारी दुल्हन को खरीद ले जाए। बेटा कमल, चलो ना। जल्दी से माधुरी को लेके लो। रमेश, विधाई, मेरी आशा पूरी हुई। ले,
अपनी माधुरी को संभाल। कमल, नजारे हैं, आहा आहा सावन के नजारे।